पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जिस तरह के बातें उभर कर सामने आई, घटना घटने की बात आई और जो इसके बाद प्रशासन का रवैया रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस मामले से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, वैसे लोगों को भी अलग अलग स्थानों से ला करके गिरफ्तार किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस घटना को, जो छोटी सी घटना थी, उसको विकराल रूप प्रशासन के तरफ से बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से लगे हुए कार्यकर्ता, जहाँ कहीं भी प्रदेश में है, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ किसी भी तरह का कार्रवाई इस तरह का यदि होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो प्रशासन ने किया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और जो इस घटना में दूर दूर तक कहीं जुड़े हुए नहीं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। मेरी आज यहाँ पर मुलाकात हुई और मुलाकात में मैंने उन लोगों की पूरी बातों को सुना, और जो बातें मैंने सुना वो और जो बाकी लोगों से सुना, उससे मुझे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यह वेंडिक्टिव एटीट्यूड से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के इस तरह का अरेस्टिंग हुआ है और जेल में भेजे गए। देखिए, इस तरह के घटनाओं की हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवहार किया है, जिस तरह का हथकंडा अपनाया है, प्रशासन को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसमें काफ़ी लोगों का दबाव है और दबाव के वजह से इस तरह के नीति हथकंडे अपनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। रूप से ऐसे घटना की जांच होनी चाहिए और इस तरह के अरेस्टिंग, जो जिसका कोई संबंध किस घटना से नहीं है, वैसे लोगों के विरुद्ध में जो प्रशासन ने नीति अपनाई है, जो अंजाम दिया, उसकी जाँच होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।